जी, इस वर्ल्ड कप में समझ नहीं आ रही कि इस वर्ल्ड कप में क्या हो गया है बड़ी टीमों को, और ऐसे मैचेस देखने को नजर आ रहे कि जो छोटी टीम है वो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया कि बड़ी टीमों को उन्होंने जो है वो सरप्राइज करना शुरू कर दिया। जैसे यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, अगर दूसरे मैच की बात करें तो कनाडा ने आयरलैंड को हरा दिया, जो टेस्ट नेशन है, जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद अगर आज के मैच की बात करूं तो ये भी बहुत बड़ा अपसेट है कि न्यूजीलैंड हार गई है अफगानिस्तान से, 84 रन से मैच हार गई न्यूजीलैंड की टीम। और न्यूजीलैंड की वो टीम है जो वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं। पूरी टीम 75 रन पे आउट होगी न्यूजीलैंड की अगेंस्ट अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के प्लेयरों की बात करनी चाहिए यहाँ पे, उन्होंने दुनिया में हर जगह जाके क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि उनके सामने बैटर्स को जो है वो थ्रेट होती है कि इनके सामने रन्स कैसे किए जाए। राशिद, फारूकी, जितने भी बॉलर से अफगानिस्तान के, उन्होंने कमाल कर दिया और ऐसा काम किया, एक बड़ा अपसेट जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, 2024 का दूसरा अपसेट जो कह सकते हैं कि जो आज अफगानिस्तान ने किया। उसके बाद कनाडा, कनाडा ने भी जो है वो मैच आयरलैंड को मैच हराया, और वो भी एक बड़ा अपसेट कह सकते हैं जिस तरह की आयरलैंड की टीम थी। उसके बाद अगर बात करें तो बहुत सी चीज़ें इस वर्ल्ड कप में इन यूएसए जो है वो हो रही हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी टीमों को, एक छोटी छोटी टीमों ने मैच हरा दिया। वो टीमें जो अभी इस वर्ल्ड कप में नई थी या कुछ जो है क्वालिफाई राउंड में वो जीत के आके और बड़ी टीमों का मुकाबला करो, बड़ी टीमों को मैच हरा रहे हैं, यही देखने को नजर आया। और क्या उमदा बैटिंग की है आयरलैंड के जो प्लेयर थे, उन्होंने अच्छी फाइट बैक की, पर उस तरह नहीं रिस्पॉन्स कर सके कैनेडा के अगेंस्ट। और कैनेडा की बात करो तो कैनेडा ऐसे लग रहा था कि आयरलैंड के सामने जो है वो शायद 60-70 रन्स कर सके, पर क्या उमदा बैटिंग की है कनाडा के बैटर्स ने, और इस तरह का टोटल ला के सामने रख दिया जहाँ पे वो फाइट कर सकते थे। और क्या कैचेज विन मैचेस कहते हैं ना T20 क्रिकेट में, यही देखने को नज़र आया, और यही जो है टीमों को फ़ायदा दे रही है। जब आप कैचेस ड्रॉप करते हैं, फील्डिंग मिस फील्डिंग करते हैं, तो फिर जो फ़ायदा होता है वो होता है बैटिंग साइड को। और अगर आज के मैच की बात करें और कल की मैच की बात करें तो ये बड़ा अपसेट है दोनों टीमों के लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी और आयरलैंड के लिए भी। और आयरलैंड जो है वो बिल्कुल ही क्लैप्स कर गया कनाडा के सामने और एक इजी मैच हार गया। उसके बाद अगर आज के मैच की बात करें जो बिटवीन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया, क्या उमदा बैटिंग की है अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड के सामने, उन न्यूजीलैंड की बॉलिंग के सामने इस तरह की बैटिंग करना गुरबाज की, और गुरबाज जो है वो ऐसा बैटर है जो किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकता है, दुनिया में जितनी लीग्स होती हैं उसमें जाके परफॉर्म करता है। और दिस इज़ द राइट टाइम कि उसने अपनी कंट्री के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक ऐसी इनिंग्स खेली जहाँ पे अफगानिस्तान को फ़ायदा हुआ, बहुत बड़ी टीम को मैच हराया वो न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकी अफगानिस्तान के बॉलर्स के सामने। अगर बैटिंग की बात करें तो 159 रन्स किए अफगानिस्तान ने 6 खिलाड़ियों के आउट पे, ये तो वही टोटल था जो पाकिस्तान ने कल किया था, और यहाँ पे अफगानिस्तान मैच जीत गया। इसका मतलब है कि बॉलिंग अच्छी करते तो पाकिस्तान भी मैच इजीली जीत सकता था, यूएसए की इतनी बड़ी साइड नहीं थी, पर उन्होंने डोमिनेट किया। सेम स्कोर था जो पाकिस्तान ने किया था, पर वहाँ पे, यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉलर्स ने आउट किया 75 रन्स पे न्यूजीलैंड की टीम को। इसका मतलब है कि हमारी तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, जिसका फ़ायदा जो है यूएसए के बैटर्स ने उठाया। और यहाँ पे अगर अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बड़ी टीम को मैच हराया चेस करते हुए 75 रन्स पे, और 84 रन से मैच जीता है अफगानिस्तान, बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद गुरबाज की बात करें, उन्होंने 80 रन्स किए, जस्ट ओनली 57 बॉल। ये होता है डोमिनेट करना एज ए ओपनर दूसरी टीम को, बड़ी टीम को। और जो 44 रन्स किए जो है वो जरदान ने किए, और क्या उमदा बैटिंग किया। और उसके बाद 23 रन्स किए, यहाँ पे ओपन ने ही इतना बड़ा स्टैंड, इतना अच्छा स्टैंड जो है वो दिया अफगानिस्तान को, और जहाँ पे जो है वो रन्स इतने हो गए कि समझ ही नहीं आए कि न्यूजीलैंड को कि हम करें तो क्या करें, और किस तरह आके
चेस रन्स कर रहे हो और इस कंडीशन में इस तरह की पिच पे रन्स करना बहुत मुश्किल था, वही देखने को नजर आया। पूरी टीम जो है उस जो है 159 रन्स किए और उसके बाद कोई भी रन्स नहीं कर सका। 22 रन्स किए उनके और उसके बाद कोई भी मिडिल ऑर्डर में उस तरह नहीं परफॉर्म कर सका। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेट हो जाए तो फिर वो पूरा मैच लेके चले, तो वही देखने को नजर आया दोनों ओपनर की तरफ से। और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड की जब चेस करने आए हैं तो चेस बहुत ही मुश्किल उनको पेश आई और उसी तरह ही देखते रहे, रेत की दीवार की तरह जो है न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो गिर गई। और अगर बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से उस तरह नहीं न्यू बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग की गई, जिसका फ़ायदा जो है वो अफगानिस्तान के बैटर्स को मिला। और उसके बाद अगर चेस की बात करें तो चेस में हमेशा जो है ना बड़ी से बड़ी टीमें जो होती हैं ना वो प्रेशर में आती हैं, वही देखने को नजर है। अगर आपने न्यू बॉल अच्छा किया तो फिर पावर प्ले में अगर आप दो तीन आउट कर दें और प्रेशर बनाए रखें तो फिर बड़ी से बड़ी टीम भी जो है वो भी प्रेशर में आ जाती, वही देखने को नज़र आया। अफगानिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो बॉलिंग की है और उसके बाद फील्डिंग बॉलिंग और तीनों डिपार्टमेंट में क्या उमदा परफॉर्म किया है, और इसी वजह से बड़ी टीमें जो हैं वो प्रेशर में आ गई। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो कोई भी ऐसा बैटर नहीं था सिवाय एक बैट्समैन के जो थे, उन्होंने 18 रन्स किए और डबल फिगर में सिर्फ दो बैटर से जो डबल फिगर में गए, एक ने 18 रन्स किए और एक ने 12 रन्स किए, हैरी ने और फिलपीस ने जो है वो 18 रन्स किए। और उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं था जो डबल फिगर में जाता है। ये होता है प्रेशर, ये होती है बॉलिंग, और जब आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बड़ी सी बड़ी टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है। उसके अगर बॉलिंग की बात करें फारूकी ने जितने भी बॉलर थे अफगानिस्तान के, राशिद खान, नबी, जो भी थे, उन्होंने क्या उमदा बॉलिंग किया और बड़ी टीम को मैच हरा के एक बड़ा अपसेट इस वर्ल्ड कप का एक और कर दिया जो अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मैच हराया। और न्यूजीलैंड की बात करें तो बेटर साइड लग रही थी अफगानिस्तान की, पर दूसरी टीमों ने भी जो है वो अपना स्टैंडर्ड इतना हाई कर लिया है कि जहाँ पर बड़ी टीम स्टैंड करती है तो वहाँ पे भी जाके वो दोनों मुकाबला कर सकते हैं। और इस तरह की क्रिकेट को इम्प्रूव करना, क्रिकेट जो है वो मॉडर्न होगी, और जितने भी ये अफगानिस्तान के प्लेयर थे या यूएसए के प्लेयर थे या कनाडा के प्लेयर थे, ये दुनिया में जाके हर जगह लीग्स खेलते हैं, पर वहाँ जाके वो अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, और वही आके अपनी कंट्री से जब खेलते हैं तो आके वही चीज़ें अप्लाई करते हैं। उसी तरह की चीज़ें जो है T20 क्रिकेट में होती हैं, जब आप अच्छी लीग्स खेलते हैं, अच्छी जगह जाके खेलते हैं, अच्छे प्लेयरों के साथ, बड़े नामों के साथ जाके खेलते हैं, तो फिर आपकी क्लास जो है ना, आपका जो स्टैंडर्ड है उस जगह पे जाके पहुंचता है, तो वही चीज़ें लेके वो अपनी मुल्क से खेलते हैं तो फिर आके वही चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो उनका ज़रूर जो है उस प्लेयरों को फ़ायदा होता है। और अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं मोस्टली जाके IPL खेलते हैं, और जितने भी जाके वहाँ पे बड़े बड़े नाम आके खेलते हैं तो जब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ मैचेस खेलते हैं, डिफरेंट जो है सिचुएशन में जाके, प्रेशर में जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर जो बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, जो बड़ा प्लेयर होता है वो इसी तरह की आके इनिंग्स खेलता है जैसे गुरबाज ने खेली, इब्राहिम ने खेली, और ऐसी इनिंग्सें जब खेलते हैं तो बड़ी से बड़ी टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है। इस वर्ल्ड कप में बहुत सी नई चीज़ें वो हो रही हैं कि जो सोच भी नहीं सकती थी बड़ी टीम में, और वही उनके साथ हो रहा है। जैसे पाकिस्तान को USA ने मैच हराया, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव USA की तरफ से देखने को नज़र आई और कहीं ना कहीं प्रेशर जो है पाकिस्तान नज़र आया। यही जो था आज का मैच जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का खेला गया, तो कहीं ना कहीं जो थी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो प्रेशर में थी, और जितने आउट क्लास कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने, ओपनर्स ने क्या उमदा पार्टनरशिप लगाई, क्या उमदा इनिंग्स खेली। और यही होता है जब बड़ी टीमों को आपने प्रेशर में लेकर आना है तो फिर ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी जो टीम को फ़ायदा दे, और टीम जीतती है तो फिर उन प्लेयरों को भी फ़ायदा होता है। ऐसी इनिंग्सें चाहिए हर प्लेयर को खेलनी जिससे उसकी टीम को फ़ायदा हो।